मेरा नाम अनिल कुमार गर्ग है। मैं गोविंदपुरी कालका जी नई दिल्ली का निवासी हूँ। मैं डॉक्टर जेके फोसल को पिछले 4 सालों से जानता हूँ। अलग अलग पेशेंट के साथ मैं ज़्यादा कदर यहाँ आता रहता हूँ। अभी लेकिन पिछले 15 दिन पहले करीब मेरे दाहिने पाँव में घुटने पर दर्द महसूस किया। मैंने डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया एज बढ़ने के साथ कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक बीमारी शुरू हो जाती है जिससे दोनों घुटनों में चलने से पेन महसूस होता है। उन्होंने उसका इलाज शुरू किया एक्यूपंक्चर के द्वारा और अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा। 15 दिन बीतते बीतते मैं अपने आप को करीबन 70 से 75% ठीक पाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले और 15-20 दिन में मैं करीबन दर्द से अपना छुटकारा पा लूँगा। मेरा नाम संतोष कुमार है, आगरा से बिलोंग करता हूँ। मेरे को खाने में दिक्कत होने लगी करीब 1.5 साल से, तो मैंने जब चेक कराया तो उसमें कैंसर के मतलब लक्षण दिखाई दिए, तो मैं सीधा बॉम्बे गया। बॉम्बे में टाटा मेमोरियल में मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर साहब से, उन्होंने भी मुझे यही बताया सारी रिपोर्ट बॉम्बे में दोबारा करानी पड़ी। फिर धीरे धीरे कीमो रेडिएशन सब हो गया तो उससे 60% के करीब करीब फायदा मिला। उसके बाद फिर मेरे को एकदम प्रॉब्लम हुई 15 फरवरी को। फिर मैं 19 फरवरी को एम्स में आया, 15 दिन एडमिट रहा। उन्होंने स्टेंट डाल दिया क्योंकि नली पूरी चौक हो चुकी थी, तो स्टेंट डालने से वो नली खुल गई। उसके बाद दर्द चालू हो गया ऐसे ही। फिर किसी मिलने वालों ने बताया कि डॉक्टर साहब हैं आप उनसे सलाह लीजिए, तो उन्होंने दवाई अपनी चालू की। तो करीब करीब 2 महीने बाद हमने दोबारा जो रिपोर्ट 12 मार्च को कराई थी, तो उसमें जब दोबारा से हमने चेक करा कर जब रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं आया, रिपोर्ट बिल्कुल साफ एकदम क्लीन, बिल्कुल कैंसर नाम की चीज़ ही नहीं है उसमें। और जब पहले 2 महीने पहले कराई थी तो उसमें बीमारी थी, अब बिल्कुल नहीं है।